सासवो बेटिया पहुंच गया है पंचगनी और मेजर सूरज है यहाँ पे, जो कुछ एक कहानी जो हमें कुछ पिछले साल में लेने जाने वाले हमें, तो किन सालों की ये बात है, कौन सा था ये साल बताइए। ये 1962 साल की बात है, चाइना से हमारी जो वॉर हुई थी, जो हम हार गए थे, एक बैटल हमने जीता था, तो ये शो उस कहानी पर है। तो जो मेजर सूरज जो है, तो इनकी जो कहानी है वो कैसे इर्द गिर्द रहने वाली है इस वॉर के? एक जो बैटल वो जो जीते थे उनकी वजह से लेह लद्दाख हमारे टेरिटरी में आ गया है और रह गया राधा, तो ये उनकी कहानी है। जो सोल्जर्स गए थे वहाँ पर जिन्होंने ये जंग लड़ी, उनकी बैक स्टोरीज, आई सपोज वॉर का जो इम्पैक्ट होता है लोगों पर, उसको लेकर ही कहानी है। ये ज़्यादा एक ह्यूमन स्टोरी है मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब काफी ह्यूमन इंटरेस्ट इसमें रहेगा अराउंड घर के हालात। हाँ, I mean, वॉर का इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब कि आपके घर पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या आप सर्वाइव कर रहे हो कि नहीं, सर्वाइवल के बाद क्या होता है, या फिर अगर आपने सर्वाइव नहीं किया तो आपके कौन है मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जिनको आप छोड़ जाते हैं, और हम वॉर के लिए क्यों जाते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसका फर्क क्यों करते हैं हम, ये तो ये सब लेकर है। कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस बाहर, अभी तक का जो शेड्यूल रहा है वो कैसा रहा? काफ़ी इंटेंस रहा है। अभी हम बैटल सीक्वेंसेस शूट कर रहे हैं तो हाँ, इट्स क्वाइट फिजिकली टैक्सिंग, स्टंट वंट करने पड़ रहे हैं और नींद कम मिलती है, बट वी गेटिंग द वर्कआउट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कितने घंटे शूट, मतलब क्या शेड्यूल रहता है, थोड़ा एक डेली रूटीन कहेंगे यहाँ का कैसा है? डेली रूटीन है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे सुबह 1 घंटे ज़रूरत पड़ती है, 1 घंटे की ज़रूरत पड़ती है जस्ट फॉर माई सेल्फ, कॉफ़ी चाय व्हाटएवर, यू नो, सेंटरिंग, फोकसिंग योर सेल्फ, फिर हेयर एंड मेकअप, फिर गो टू लोकेशन, 7 बजे तक, 6:30-7 तक काम चलता है हमारा, यू नो, डे शूट हो तो, क्योंकि 6:30 तक फिर अंधेरा आ जाता है। या इंटेंस है। रियल लोकेशन शूट्स है, मतलब जो घर के पार्ट है वो भी वाई में किए गए हैं और बाकी जो है वायर सीक्वेंस तो यहाँ पे हो ही रहा है, तो वर्दी, मतलब वर्दी पहनने के बाद का जो फीलिंग है वो थोड़ा वर्दी पहनने के बाद मेरे लिए तो ये काम है ना मेरा, एक तो मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट रियल लोकेशंस में ही शूट किए गए हैं, सो आई एम यूज्ड टू इट। इनफैक्ट अगर मुझे सेट पे जाना हो तो मुझे लगता है अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। वो लग्जरी आई डोंट नीड। रिगार्डिंग वर्दी, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर, ये तो मैं हर रोज करता हूँ, तो चाहे मैंने चोर के कपड़े पहने हैं या सिपाही के कपड़े, इट्स वन एंड द सेम। लुक की बात करें तो कितने कुछ चेंजेस है, मतलब मुस्टैच है, क्या 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 क्या? हाँ, मूछ है, आई सपोज बाल काफ़ी शॉर्ट रखे हैं मैंने, इसको मेंटेन करना थोड़ा इरिटेटिंग है ना, ये शेप वेप डालने में। मेजर लुक। और कितना बाहर कहीं घूमना हुआ है कि नहीं, या फिर पूरा दिन छुट्टी में ही बिजी है? घूमने का इतना चांस नहीं मिला है, जब भी टाइम मिलता है मुझे तो मैं घर चले जाता हूँ। लकीली पंचगनी से गोवा के बीच बस 6 घंटे का फर्क है बाय कार, तो मुझे ड्राइविंग भी बहुत पसंद है, तो मौका मिलते ही मैं ड्राइव कर लेता हूँ वापस घर और वापस आ जाता हूँ शूट के लिए। साथ में जो जो है, मतलब अनूप जी है साथ में, रोहन है, सुमित है, कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ये बहुत ही एक्सपीरियंसड एक्टर्स हैं, बहुत ही हम्बल हैं, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, और उनके लिए भी एक ये नया चैप्टर है, और जो ये कहानी है इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो आई थिंक ऑल ऑफ अस फेल्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइड इन डूइंग दिस, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स बहुत हम्बल है, उनके साथ काम करना बहुत ईजी है। या तो क्या कहेंगे अपनी इस इनिंग के लिए, मतलब वेब सीरीज फिल्म्स, कितना डिफरेंस, कितना अच्छा, कितना अलग है? आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम आया है हमारे लिए, क्योंकि होता क्या है कि बॉलीवुड में जो 2-4 कैंप्स हैं, अगर आप उनकी उनके साथ बनेगी नहीं तो फिर आपको काम मिलेगा नहीं, या फिर आपकी फिल्में रिलीज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कंट्रोल बहुत रहता है फिल्मों पर बॉलीवुड के अंदर, बाहर वालों को अंदर आने में और फिर सस्टेन करने में नियर इम्पॉसिबल होता है। और फिर दूसरा एंड पे है टेलीविजन, जो सास बहू के सीरियल जैसे एकता कपूर ने बनाए थे, उसकी क्वालिटी बहुत गंदी थी, तो एटलीस्ट कम से कम OTT प्लेटफॉर्म्स, वो एक मिडिल ग्राउंड आ गया है ना, तो वो बॉलीवुड के जो 2-4 लोग हैं उनके कंट्रोल में हैं, और ना ही उनकी क्वालिटी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सास बहू सीरियल्स की तरह, तो ये ज़्यादा कॉन्टेंट पर चल रहा है। और जैसे आपने ये एक्टर्स के नाम लिए, जैसे रोहन हो या सुमित हो या अनूप हो, ऐसे जैसे एक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि फिर
अभी सिर्फ बॉलीवुड की तरह ऐसा नहीं है कि बस हीरो हीरोइन के ऊपर है और बाकी सब उनके लिए पैडिंग है. यहाँ पे हर एक कैरेक्टर ज़रूरी है, और क्योंकि सीरियल शो में टाइम है हमारे पास, तो हर एक कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी को दिखाने में भी टाइम है. हर एक कैरेक्टर को हम वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि तुम हीरो के दोस्त नहीं हो, तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारी ये कहानी है. ऐसा नहीं कि हीरो का दोस्त हीरो की आंटी, यू नो, जो बॉलीवुड में अक्सर होता है. तो आई थिंक वो कंटेंट एंड क्वालिटी जो आ रही है वो जैसे ही एक्टर्स हैं उनकी इंडिविजुअलिटी को भी अच्छी तरह से दिखा रही है. और एक एक्टर अभी आकर कर सकता है अपनी इंडिविजुअल की तरह काम, ना कि उसको कन्फर्म करना पड़ेगा कि यार स्टेरॉइड्स लेकर सिक्स पैक बनाओ और नाचो, ऐसा नहीं है. तो एक अच्छा मौका मिल रहा है अलग अलग लोगों को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको ये मौका मिल रहा है. डायरेक्टर्स, राइटर्स, ये सब अभी देखिएगा आपको कि हमारे देश में कितना टैलेंट है जो पिछले 20, 25, 30 साल से सप्रेस किया गया है क्योंकि वो कन्फर्म नहीं कर रहे थे. अभी कन्फर्मिटी की जरूरत नहीं है, अभी जाकर देखा अपनी क्रिएटिविटी क्या. और आई थिंक मैं एकदम खुश हूँ ये देख कर. महेश सर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, वो बहुत पैशनेट हैं, उनकी नॉलेज बहुत गहरी है. मोर देन एनीथिंग जो पैशन है वो मुझे पसंद है. वो इनकरेज भी करते हैं इंडिविजुअलिटी को. उनका भी कोई ऐसा कॉन्फॉर्मिस्ट एटीट्यूड है नहीं कि हीरो ऐसा होना चाहिए और मुझे ऐसे फोकस रखना चाहिए. नहीं, उनको कहानी पर है इंटरेस्ट, कहानी बताने में इंटरेस्ट है, कैरेक्टर्स दिखाने में इंटरेस्ट है, ना कि स्टार दिखाने में इंटरेस्ट है उनको. तो मेरी तो बहुत अच्छी बनती है उनके साथ. क्या कहना चाहेंगे अब एक यहाँ का स्केड्यूल रहा अभी और आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी हाँ, ये मेरा पहला शो है, 10 एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज है ये. दो तीन और फिल्में हैं मेरे पास, दो खत्म हो चुकी हैं, वो पोस्ट प्रोडक्शन में हैं, जिनकी बात मैं तब करूंगा जब उनकी मार्केटिंग शुरू होगी. और दो और अभी प्रोडक्शन में जा रही हैं, लेकिन हाँ सिर्फ फिल्में हैं मेरे पास इस वक्त, और कोई शो नहीं है. थैंक यू.